खिदमत खल्क बेहतरीन अमल। सूफी मिल्लत सबील आब शाफी का इफ्तिताह। मालेगांव 17 अक्टूबर 2022 बाद नमाज मगरिब दरगाह हजरत मासूम शाह कुट्टी के बुलंद दरवाजे पर सूफी मिल्लत सबील आब शाफी का इफ्तिताह बराए इसाले सवाब सूफी मिल्लत सूफी गुलाम रसूल कादरी हुआ। सबील आब शाफी का इफ्तिताह नकीब मिल्लत सूफी नूरुलैन साबरी के हाथों हुआ। आपको बता दें इस सबील का आगाज अब्बासिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम और सेठ मोहम्मद अयूब नेहल अहमद खानवादा की जानिब से हुआ। इस तकरीब में साबिर नूरानी, अकबर सेठ अशरफी, सूफी जमील टेलर व दीगर कई अफराद मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जहाँ पर हम मौजूद हैं दरगाह हजरत मासूम शाह कुट्टी का बुलंद दरवाज़ा, यहाँ पर दरगाह हजरत मासूम शाह ट्रस्ट की जानिब से अब्बासिया एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम खानवादाए मुखय्यर कौम मिल्लत सेठ मोहम्मद अय्यूब निहाल अहमद साहब की जानिब से सूफी मिल्लत सबील आब शाफी का एहतमाम किया गया। मैं ऑल इंडिया सुन्नी जमीतुल इस्लाम की जानिब से इन तमाम अदारों के जिम्मेदारान का और खानवादाए मुखय्यर कौम मिल्लत सेठ मोहम्मद अय्यूब साहब का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे वालिद बुजुर्गवार सरपरस्त आला हुजूर सूफी मिल्लत हजरत सूफी गुलाम रसूल कादरी अलैहिमत रिदवान के नाम नामी इसमें गिरामी से ये सबील आब शाफी का एहतमाम किया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जितने ट्रस्ट और खानवादे की जानिब से ये सबील आब शाफी का एहतमाम किया गया, इंतज़ाम किया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको जजाए खैर अता फरमाए। इनकी नस्लों पर, इनके खानवादे पर सरकार हुजूर अहमद मुश्तबा नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास फैज़ान अता फरमाए, इमाम आली मकाम की ख़ास निगाह अता फरमाए और इस इलाके के शहर मालेगांव के यहाँ से गुजरने वाले तमाम अफराद से मैं गुजारिश करूँगा कि सबील आब शाफी से फैज़ उठाए, क्योंकि ये ज़ेर साया दरगाह हज़रत मासूम शाह कुट्टी के यहाँ पानी के साथ साथ सरकार मासूम अली शाह कादरी सत्तारी का इंशाअल्लाह इसमें फैज़ान रहेगा तो ये शिफा का ज़रूर ज़रिया बनेगा। इंशाअल्लाह ये सबील आब शाफी दरगाह हजरत मासूम शाह कुट्टी की जानिब से हमेशा ता क़यामत तक जारी और सारी रहेंगी। मैं दुआ करूँ जितने अफराद यहाँ शामिल है, जितने तंजीम के अफराद, खानता के अफराद और जिम्मेदारान शामिल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको जजाए खैर अता फरमाए। मैं साबिर नूरानी, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया चीफ, इसकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने अपने वालिद मोहतरम की याद के अंदर ये सबील को जारी और सारी फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला इनसे इस तरह से काम लेता रहे और इन्हें एक बहुत बड़ा खिताब मिला नकीब मिल्लत। नकीब का मतलब होता है काम करने वाला। नकीब बनने के बाद सबसे पहला बहुत ही बेहतर और बहुत ही मुबारक काम इन्होंने शुरू किया जो वालिद मोहतरम के नाम पर इन्होंने एक सबील जारी की। अल्लाह तबारक ताला हर आने जाने वालों को इस सबील के ज़रिए से फैज़ उठाने वाला बनाए। बस मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह तबारक ताला इनसे बेहतर इस तरह से काम लेता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर जो सबील का इफ्तिताह किया गया उसमें सेठ मोहम्मद अय्यूब साहब ने भरपूर ताउन किया और तमाम लोगों ने इसमें शिरकत की और नकीब मिल्लत सूफी नूरुल्लाह साबरी साहब के बदस्त इसका इब्तिदा हुआ। हम चाहते हैं कि इससे इन तमाम रास्ते के जाने वाले और ख़ास करके स्कूल के बच्चे इससे फैज़याब हो और शिफायाब का मामला चलता रहे। अस्सलामु अलैकुम।